हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह आई मीन कल का था वो वीडियो। तो मेरी जिस हिसाब से हेल्थ जा रही है उसके हिसाब से थोड़े थोड़े क्लिपिंग्स जो है कुछ प्रीवियस डेज के भी इंक्लूड हो रहे हैं, क्योंकि मैं शुरू कर रही थी ब्लॉग, लेकिन आपातकाल में छोड़ना पड़ रहा था ब्लॉगिंग को। तो अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर के पास जाके आए हैं, फिर से वो जो जेल है वो इंसर्ट करा है, और मुझे मेरा चेकअप होने के बाद ही ऑफिस गए। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो कल परसों भी मैंने यही ड्रेस पहना था, इसलिए अभी दोबारा पहन लिया, अभी उतार नहीं रही हूँ। खाना पहले बना लेती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते। तो मैं आज लंच में सांभर बनाने वाली हूँ और कैप्सिकम करी बनाने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, मतलब कैप्सिकम को छोड़ के, जो मैं सांभर में डालने वाली हूँ। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, जो भी वेजिटेबल्स है उसको ये छोटे से इसमें क्या बोलें, इसको छोटा सा मटका समझ लीजिए स्टील का, इसमें डाल लेती हूँ पहले काट के। तो सारे मैंने ऑलरेडी पहले धो लिए हैं, तो जो भी वेजिटेबल्स हैं मैं पहले इसमें डाल दूंगी। तो ये बैंगन छोटे छोटे हैं, इसलिए ये बैंगन के भरते वाले बैंगन हैं। मैं बैंगन का भरता भी आपको दिखाना सोच रही थी, मतलब बैंगन का भरता नहीं, इस वाले बैंगन से एक अलग रेसिपी बनती है वो भी दिखाना सोच रही थी, लेकिन बना नहीं पाई। जब बनाऊंगी तब पक्का दिखाऊंगी। तो ये बैंगन काट लिए, टमाटर, सांभर में बड़े बड़े पीसेस होने से अच्छा लगता है। और ये थोड़ी सी भिंडियां भी डाल रही हूँ मैं इसमें। तो जितने चाहे आप वेजिटेबल्स सांभर में ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सब। तो मेरे पास फिलहाल यही अवेलेबल थे, लौकी भी खत्म हो गई, वरना लौकी भी डाल सकते हैं आप इसमें। और ये एक आलू ऐड करूंगी मैं इसमें। और थोड़ा सा पीस ऑफ बीटरूट ऐड करूंगी मैं, ज्यादा नहीं। ये सारे वेजिटेबल्स मैंने यहाँ ऐड कर लिए। अब इसके ऊपर मैं ऐसे ढक्कन लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी दाल भी धो ली है, अरहर की दाल है। तो पहले मैं ये जो जिसमें वेजिटेबल्स रखे हैं ये बीच में रख दूंगी, और उसके बाद जो है साइड में से ये पूरा डाल लूंगी दाल को। साइड में मैं दो मिर्ची ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं नमक, मिर्ची और हल्दी ऐड कर दूंगी। और इतना सा इमली का पीस भी मैं इसमें ऐड करूंगी। और इसमें आप बस एक चम्मच जो है चीनी मिलाइए, तो सांभर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें मैं दो ग्लास पानी डाल दूंगी। तो जो भी ऊपर गिरा हुआ था पानी डालते ही जो है वो नीचे स्प्रेड हो जाता है। पहले इसको इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अगर आप दाल वाल डाल के ये जो आपका जिसमें सब्जियाँ डाली है वो रखेंगे तो दाल उसके नीचे दब जाती है और पकती नहीं है ठीक से। तो पहले आप अपने जो पकाने के रख रहे हैं उसको प्लेस कर लीजिए। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ मैं, और बस अब ढक्कन लगा के ज़्यादा हिलाते डुलाते, बिना हिलाते डुलाते इसको गैस पे रख देना है। तो मैं अभी कैप्सिकम करी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं पहले प्याज चढ़ा देती हूँ, जो प्याज मैंने काट लिए हैं। तो तेल के गरम होते ही मैं पहले दो मिर्ची डाल लूंगी,
और अभी मैं इसमें ऑनियन ऐड कर रही हूँ, एक ऑनियन ही काफ़ी है इसके लिए। और अभी इसको मैं थोड़ा सिम में ही पकने दूंगी, इस बीच में जो है मैं अपना कैप्सिकम कट कर लूंगी। ये देखिए कितना फाइनली चॉप हो चुका है पूरा। अगर नॉर्मल चाकू से काटते बैठेंगे तो कहाँ कटेगा इतना फाइनली और इतना जल्दी। तो यहाँ पे देखिए ऑनियन भी फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें मैं ऑनियन कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आपको इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, बस नमक मिर्ची हल्दी डालना है और जो है आपका कैप्सिकम करी रेडी हो जाएगा। मतलब आप कैप्सिकम को और भी अलग तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सांभर बनाया है तो ये भी बहुत ग्रेवी टाइप करी होगी तो दोनों का कॉम्बिनेशन सेट नहीं होगा, तो इसको मैं थोड़ा फ्राई टाइप का ही बना रही हूँ ताकि बीच में जो है थोड़ा टेस्ट के लिए अच्छा लगे। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन लगा दूंगी और इसको 5 मिनट ऐसे पकने देंगे, और जब उसकी विजल्स पूरी आ जाएगी तो ये जो हमने यहाँ पे कुकर रख रखा है सांभर के लिए, जब ये पक जाएगा तो इसका भी हम तड़का मार लेंगे। तो अभी ये कैप्सिकम पक चुका है, इसमें मैं नमक मिर्ची और हल्दी डाल के 5 मिनट और पकाऊंगी और ये फ्राई हमारा रेडी हो जाएगा। अभी मैं इसको 5 मिनट और पकने दूंगी और उसके बाद ऑफ कर दूंगी। तो जब तक मेरी दाल पकती है मैं तड़के के लिए रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है कड़ी पत्ते ले लिए हैं कुछ, और ये कुछ लहसुन ले लिए हैं। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे तड़का कैसे मैं लगाती हूँ वैसे दिखा रखा है ऑलरेडी, लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने प्रीवियस वीडियोज देखे नहीं है इसलिए वो दोबारा पूछ रहे थे, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। मैं ये जो लहसुन इसमें डालती हूँ इसी में थोड़ा थोड़ा ऐसे स्मैश कर देती हूँ। और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई और ये 2 ड्राई रेड चिलीज। अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाल दूँगी और अभी इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूँगी। तो जैसी दाल हमारी जो सांभर है वो पक जाएगा तब इसमें उसका जो है छोंक लगा दूंगी। तो ये देखिए ऑलमोस्ट पक चुकी है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, आधा ग्लास, क्योंकि बिल्कुल भी पानी नहीं था और डायरेक्ट ही ऐसे ढक्कन लगाएंगे तो नीचे से जल जाएगा, इसलिए जरा सा पानी ऐड करना है तो के बाद जो है अच्छी तरह पक जाता है और नीचे कुछ चिपकता नहीं है। तो अभी मैं इसको ऑफ करके दूसरे वेसल में ले लूंगी, हॉट बॉक्स में ले लूंगी। तो ये जो आपको लूज लूज दिख रहा है थोड़ी देर में वो टाइट हो जाता है जब सब्जी थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा सांभर भी पक चुका है तो मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। तो ये देखिए करी रेडी है एकदम। तो वो तेल थोड़ा सा ऊपर आ गया, इतना ज्यादा मैंने डाला नहीं है, लेकिन तेल थोड़ा थोड़ा जो क्योंकि फ्राई रहता है तो थोड़ा ऊपर दिखता है। तो ये रही सब्जी कैप्सिकम की, और अभी इस कुकर को ओपन कर लेते हैं हम। तो सब कुछ पक चुका है, दाल भी पके और हमने जो भी वेजिटेबल्स डाले थे वो भी पके। तो ज़रा ध्यान से हम इसको निकाल लेते हैं। अभी ये देखिए फुल था, पक के सब आधा हो चुका है। तो पहले साथ ही साथ जो है मैं ये जो तड़का है गैस पे चढ़ाती हूँ और उसके बाद इसको मिलाते रहूँगी। तो सिम पे जब तक ये पकेगा तब तक इसको रेडी कर चुकी हूँ मैं। तो ये देखिए अच्छी तरह पक चुका है एकदम। और अभी ये जो वेजिटेबल्स है सारे
इसमें डालने का मेन पर्पस ये है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डाल के पकाएंगे तो जो भी सब्जियां आपने डाली वो सब टूट टूट जाएगी। अब इसमें मैं और थोड़ा सा पानी डाल लूंगी, तो ये इसी से एक जो है मैंने पानी डाल लिया है। तो ये देखिए अभी सारे वेजिटेबल जैसे हमने पकाए थे वैसे के वैसे ही हैं, तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कपड़े से पकड़ा था क्योंकि स्टीम तो रहती है, थोड़ा सा गर्म था। तो मैं इस तरह से तड़का लगाती हूँ, सब कुछ जो है इक्वली फ्राई होता है क्योंकि तेल एक बार गर्म हो जाए तब एक एक करके डालने से कुछ चीज़ें जल जाती हैं, लेकिन मुझे ऐसे परफेक्ट लगता है। तो ये सब फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें मैं जो है सांभर डाल देती हूँ। तो ये देखिए हमारा डिलीशियस सांभर रेडी है। सो देखिए क्या हाल हो रहा है गर्मी से। तो अभी खाना बन चुका है और बाकी सब काम भी हो चुके हैं। इसके बाद अभी बच्चों को खाना खिलाने के बाद फिर से हमने बाहर जाना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हम बार बार जो है बेडरूम में ही बैठे रहते हैं एसी ऑन करके, बाकी रूम्स में जाना भी नहीं हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि एक एसी जो है हॉल के लिए ले लेते हैं, क्योंकि अभी 22 तारीख को मेरे छोटे बेटे का भी बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेशन में इतनी गर्मी में कोई रुक ही नहीं पाएगा। तो एक तो वो भी पर्पस है और मेन तो हम लोग तो रहने वाले हैं घर में, तो पूरे दिन कमरे में बंद रहेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए एसी देखने भी जाना है अभी। तो देखेंगे कब जाएंगे, खाना खा के जाएंगे या खाना खाने से पहले जाएंगे। पहले तो बच्चों को खिला देती हूँ मैं क्योंकि ऑलरेडी हॉस्पिटल जाके आए थे तो थोड़ा सा लेट हो गया था। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मैं मिलती हूँ। तो घूम फिर के वापस अभी हम थोड़ी देर पहले घर आए हैं। ऑलरेडी जो है 9:30 बज चुके हैं रात के, नॉट सुबह के। तो बच्चों को मैंने ऑलरेडी आते ही खाना खिला दिया, मतलब आते ही जो है पहले मैंने राइस रख दिया था और जो भी था उनको खिला दिया और हमने भी खा लिया। तो आज बहुत ही ज़्यादा थक गए, पेन किलर्स तो डाल ही रही थी मैं पेन के लिए। थोड़ा पहले से, दो दिन पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है, मतलब दर्द जब आ रहा है वो तो सीवियर ही आ रहा है, लेकिन जो टाइम गैप है ये विजडम टूथ पेन का वो थोड़ा अभी उतना फ्रीक्वेंट नहीं है। पहले हर 1.5-2 घंटे में आ जाता था, अभी ऐसे नहीं है, अभी 4-5 घंटे में फिर से शुरू हो रहा है। तो शायद अभी ग्रेजुअली ठीक होना शुरू है, बट अभी भी रीसर्जरी होगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा व्लॉग, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मेरी एक विनती है जो सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज़ देख लीजिए यार।
देख नहीं रहे हैं आप लोग, वॉचमैन घूम रहा है, सुनाई दी होगी आपको सिटी। तो चलिए आज के लिए व्लॉग यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। तो गुड नाइट, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।